हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ और इसलिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है। आप में से सब लोग, बहुत लोग इंडिया से, इंडिया के बाहर से, वर्ल्ड वाइड एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हो, स्पेशली उसके लिए तो आप लोग काउंसलिंग लेते ही लेते हो, वो ये है कि क्या मेरा पर्सन मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है। करेक्ट। आज मेरा सवाल ये है कि क्या आप ट्विन फ्लेम हैं? तो आपका सवाल होगा या आपका जवाब होगा कि यस मैम, मैंने आपके कन्फर्म साइन ऑफ ट्विन फ्लेम्स सुने हैं, उसमें हमारे बचपन से बहुत दुख होते हैं, हम बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी में अपने कर्मा क्लियर करते करते एक दिन हमें सोल शॉक लगता है और हमारी अवेकनिंग प्रोसेस चालू हो जाती है किसी स्पेसिफिक पर्सन से। तो डेफिनेटली इट्स अ साइन दैट वी आर ट्विन फ्लेम, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट्स अ साइन ऑफ ट्विन फ्लेम। हुआ समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग शॉकिंग? यस, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस या कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस में भी अक्सर ऐसा होता है कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल होती है, बहुत सारे आपकी लाइफ में ट्रॉमास होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। और समटाइम्स लोग इसलिए कंफ्यूज भी होते हैं कि वो जो बंदा है जिससे मेरी अवेकनिंग हुई है, वो मेरी कार्मिक से अवेकनिंग हुई है, किसी स्पेसिफिक पर्सन से हुई है, बट वो ट्विन फ्लेम नहीं है। दैट्स द रीज़न लोग कन्फ्यूज होते हैं कि वो मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है या रियल ट्विन फ्लेम है। तो चलिए पहले तो लेट अस कंफर्म कि भाई हम ट्विन फ्लेम है कि नहीं। तब तो हम कंफर्म करेंगे भाई जिससे हम डील कर रहे हैं वो स्पेसिफिक पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं, राइट? अक्सर आप लोग जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी, इतना इंटेंस पुल, मैग्नेटिक पुल होता है कि बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उससे शादी हो जाए। और अगर शादी जब होगी तब होगी, उसके पहले हम लोग की बातचीत होती रहे, हम लोग अपने मैसेजेस रोज़ एक्सचेंज करें, हम लोग स्टे कनेक्टेड रहें, रोज़ बातें हो, रोज़ एक गारा टाइम हो हमारे बीच में, हम लोग मिलते रहें। फिज़िकल इंटीमेसी करने का भी मन करता है कि जिसको जो हमको कंप्लीट फील कराता है, जिसके साथ हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट एनर्जी मैच होती है, जो बिल्कुल मेरा जैसा है, या जिसके साथ मेरी ज़िंदगी के सारे ट्रॉमास दूर हो गए, जिसके साथ मुझे ज़िंदगी सबसे खूबसूरत लगने लगी, जो बिल्कुल मेरे जैसा है, जिसकी आदतें मेरी जैसी हैं, मन करता है कि हम इंटीमेसी भी सिर्फ उसी इंसान के साथ करें, किसी और को हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। ये सच है। ये आप लोग जब इस जर्नी पे लो एनर्जी पे होते हो, या आप लोग लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हो, जब आप ऑब्सेशन की एनर्जी से ऑपरेट करते हो, तब आप लोगों की ये कामनाएं, ये आपकी सोच, ये आपकी 3D की जो एक कहते हैं ना अवेयरनेस, जो 3D बेस्ड होती है, वो यही होती है। आपकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि आपने लव को ऐसे ही देखा है जब से आप ग्रो हुए हैं। जब से आपने बॉलीवुड या कभी भी देखा है, तो आपने प्यार को ऐसे ही देखा है। प्यार मतलब कि किसी से मिलना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, अपना सब कुछ शेयर करना, उस पर अपना अधिकार समझना, या उसको अपने पर, खुद पर अधिकार देना, या फिज़िकल इंटीमेसी करना, आपने लव को यही समझा। बट आप लोग नहीं जानते कि आप एक मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन में हो, दिस इज समथिंग बियॉन्ड लव, बियॉन्ड एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लव अफेयर। ये बहुत ही एक सात्विक, बहुत ही पायस कनेक्शन है बिटवीन टू सोल्स, जो कि बट के दो हिस्से में, यू नो, वन सोल बटी है दो हिस्से में, ठीक है, दो शरीरों में आई हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल, वेरी स्पिरिचुअल, फुल ऑफ अनकंडीशनल लव का कनेक्शन है। बट अनफॉर्चुनेटली आप इस जर्नी पे उस कनेक्शन को अपने अंदर ही फील ही नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो तो? बिकॉज अभी 3D की लेयर्स आपके ऊपर हैं,
और जब तक आपके ऊपर 3D की लेयर्स होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, और आप डिज़ायर्स और ऑब्सेशन और इंटिमेसी, सेक्सुअलिटी एट्सेट्रा, तब तक हम उस पायस लव की फीलिंग को एक्चुअली में फील ही नहीं कर पाते हैं। और जब आप लोअर चक्रा से अपर चक्रास में आप पहुंचते हो, एंड देन जब आपकी ये लेयर्स क्लियर होती जाती है, आप एक अपने आप में एक बेस्ट वर्जन बनते जाते हो, डिवाइन से अलाइन होते जाते हो, आपको क्लैरिटी मिलती जाती है कि वो जो बंदा है वो मुझे एक्चुअली, नाउ आई कैन फील दैट पर्सन इनसाइड मी। इन द बिगनिंग आपको क्यों फील नहीं होता है, हम लोग इतना बोल दें दैट योर पर्सन इज इनसाइड यू, बट यू कांट फील बिकॉज आपकी उन लेयर्स का धुंध जो छटा नहीं है, जब वो छटता है तब वो आपको अपने अंदर महसूस होता है। बट जब आप अपनी वो सारी धुंध की गंदी लेयर्स को छटा के जब डिवाइन के करीब पहुँचते हो, डिवाइन से अलाइन होते हो, तब आपको अपना पर्सन भगवान के साथ साथ अपने अंदर महसूस होने लगता है। तो क्या बस इतना ही, तो वो मुझे फील होने लगा तो अब क्या बस यही हमारी जर्नी है? नहीं, अब हम ये समझना शुरू करते हैं जब हम लोअर अपर चक्रास में पहुंच जाते हैं, ठीक है, नॉट द थर्ड आई की बात कर रही हूँ, जब तक आप अपने हार्ट चक्रा या थ्रोट चक्रा तक आपकी ऊर्जा पहुंच जाती है, या समटाइम्स थर्ड आई तक भी, तो आपको ये तो एहसास होता है कि यस, दिस कनेक्शन इज़ बियॉन्ड द मैरिज एंड बातें करना, मिलना मिलाना, नहीं, यू सिंपली रिक्वायर हिज एनर्जी, ठीक है। आपको ये एहसास हो जाता है कि एक्चुअली मैं उसके लिए रन नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी एनर्जी के लिए रन कर रही हूँ। और ध्यान दीजिए, आपका DM हमेशा आपकी एनर्जी लेने के लिए आता है, क्योंकि आपको भी उसकी एनर्जी चाहिए और उसको भी आपकी एनर्जी चाहिए। और जब आपको अपर चक्रास में आकर ये समझ में आता है कि आई डोंट वॉन्ट एक्चुअली द 3D पर्सन, आई ओनली वॉन्ट हिज एनर्जी टू लाइक, एनर्जी तो जरूरत होती ही है आपको, आपको अपने शरीर को रन करने के लिए खाने की ज़रूरत है, तो आपको अपने इस कनेक्शन को रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। दिस इज़ द कन्फर्म साइन कि जब आप इस कनेक्शन में इतने इवॉल्व हो जाते हो, और जब आपको ये समझ में आने लगता है कि मुझे मेरे इस कनेक्शन को रन करने के लिए वो स्पेसिफिक पर्सन की फिजिकल बॉडी नहीं, उसकी एनर्जी चाहिए, एंड दैट इज़ एक्चुअली रीयूनियन, कि जब वो भी समझ जाते हैं कि यस, मैं इसकी एनर्जी के बगैर नहीं रह सकता, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, और ये कनेक्शन बियॉन्ड ऑल द रिलेशंस है, बियॉन्ड ऑल द रिलेशन, कोई नाम नहीं दे सकते, कोई देर इज़ नो स्पेसिफिक नेम जो हम दे सकते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि अर्थली प्लैनेट में इस कनेक्शन का कोई नाम बना ही नहीं है, राइट? तो आज आप खुद से पूछिए, क्या आप इस मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन को अपने अंदर फील करते हैं? अगर आप नहीं फील करते हैं, बट समवेयर यू हैव द स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द लेयर्स आपकी जर्नी डिले हो सकती है, पर आप कभी भी गिव अप नहीं करते, क्योंकि आपको वो एनर्जी चाहिए, वहाँ तक पहुँचना है। और जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, आज वो सब कहते हैं कि यस मैम, हम अपने पर्सन को अपने अंदर फील कर लेते हैं, टेलीपैथिकली बातें कर लेते हैं, एंड यस, दे आर द ट्रू ट्विन फ्लेम्स। खुद से पूछिए, आप कहाँ हैं? क्या आप ट्विन फ्लेम हैं? अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।